नमस्कार दोस्तों, जानिए कैसे में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। अगर आपने हमारा चैनल जानिए कैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक नोटिफिकेशन बेल होगी, उस पर आप क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। आज मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ वो है कि आप भी सुबह उठकर इस चीज़ों का डाइट में लेते हैं तो हो जाए सावधान। जी हाँ दोस्तों, अंकुरित अनाज हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। जो लोग जिम जाते हैं उनको एक फिटनेस चार्ट दिया जाता है, इसमें उनको कैसी डाइट लेनी चाहिए इसके बारे में बताया जाता है। जिम ट्रेनर अक्सर कच्चा स्प्राउट खाने की सलाह देते हैं, इनके इस्तेमाल से बॉडी फिट रहती है। लेकिन हम आपसे कहें कि स्प्राउट हमारी सेहत के लिए ख़तरा है तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बात सच है। दरअसल एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइजेशनिस्ट की एक रिसर्च के अनुसार स्प्राउट को अंकुरित करते समय इनमें रहने वाली नमी से साल्मोनेला, इकोलाई और लिस्टेरिया जैसे बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। इनसे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। स्प्राउट से होने वाली बीमारी, ऐसा माना जाता है कि कच्चे स्प्राउट में मौजूद साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया टाइफाइड की बीमारी को न्योता दे सकता है। कच्चा स्प्राउट खाने से लिस्टेरिया नामक बैक्टीरिया किडनी पर बुरा प्रभाव डालते हैं, इससे किडनी डिसीज की संभावना बढ़ जाती है। कच्चे स्प्राउट में सैल्मोनेला नामक बैक्टीरिया होता है, जिससे स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कच्चा स्प्राउट खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। कच्चे स्प्राउट में इकोली वायरस पाया जाता है, जो बॉडी में जाकर यूरिनरी ट्रैक्स इन्फेक्शन की आशंका बढ़ा देता है। कच्चे स्प्राउट में मौजूद सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया टाइफॉइड की बीमारी को न्योता दे सकता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। किसी भी मदद अथवा सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल जानिए कैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में दिए गए गोलाकार लोगों पर आप क्लिक करके हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।